दोस्तों, विज्ञान कहता है कि मानव शरीर अनुवांशिक गुणों की धरोहर है। बच्चों में मिलने वाले गुणों में उनके माता पिता का समावेश होता है। बच्चे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में हो, यदि माता या पिता उन क्षेत्रों में से हो तो उनके आने वाले बच्चों की कला में निखार आता है। लेकिन उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत परिश्रम लगन करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर यह सब कुछ मिलकर कामयाबी का शंखनाद करती हैं। और यही शंखनाद एक ईश्वरीय प्रार्थना बनकर दूर दूर तक सुनाई देती है। एक ऐसी ही ईश्वरीय प्रार्थना की शंखनाद करने वाली, बचपन से ही मैदानी खेलकूद में शिरकत करने वाली, लिप्त रहने वाली और अपने तमाम सपनों को कामयाबी का रंग भरने वाली, आज स्पोर्ट्स यूनाइट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने मैदानी खेलकूद प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन किया है, हम सभी को गौरवान्वित किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो या भारत की उन तमाम प्रतियोगिताएं हो जिसमें उन्होंने अपना परचम लहराया है, और पूरे विश्व में जिस प्रकार से वे जाकर भारतीय तिरंगा लहराते हुए हम सभी के सामने एक उदाहरण पेश किया है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रेरणा स्रोत बनकर हम सबके सामने उभरी है। तो हम अब जुड़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स यूनाइट के माध्यम से उस युवा खूबसूरत बेहतरीन मेहनती हम सबकी प्यारी इस समय जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नवजीत कौर ढिल्लो जी से। नमस्कार नवजीत जी। नमस्कार जी। कैसी हैं आप नवजीत बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताएं। जी? हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं। कोरोना काल का संकट चल रहा है, हम जी आशा जी करते हैं आप और आपका परिवार वहां पर सकुशल होंगे। जी जी बिल्कुल, सभी ठीक हैं, बढ़िया हैं सब। थैंक यू। जी। नवजीत जी, आप हमारे साथ स्पोर्ट्स यूनाइट के माध्यम से आज जुड़ रही हैं। आपके तमाम चाहने वाले हमारे साथ इस पेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपके जीवन की, मैदान की, खेलकूद की और मैदान के बाहर की उन तमाम खूबसूरत यादों को हम आपके चाहने वालों के साथ साझा करेंगे जो जी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन के उन तमाम बेहतरीन पलों की, यादगार लम्हों की कहानियां आपकी ही जुबानी सुनेंगे और सभी को सुनाएंगे स्पोर्ट्स यूनाइट के माध्यम से। तो सबसे जी पहले नवजीत जी, हम आपके बचपन की तरफ रुख करते हैं, आपके बचपन और आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं स्पोर्ट्स फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल शॉट पुट थ्रोअर रहे हैं और मेरे मदर भी जी एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं हॉकी के, और मेरे जो ब्रदर जी हैं वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं शॉट पुट में ही। तो मेरा जी बचपन, जी 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 बिल्कुल, मेरा बचपन बिल्कुल ही जैसे स्पोर्ट्स की बातों में और स्पोर्ट्स के माहौल में ही गुजरा है। तो जैसे जी फैमिली जी में, जैसे अगर किसी कोई डॉक्टर है उनके घर में पढ़ाई की बातें ऐसे चलती हैं, तो मेरे घर में हमेशा स्पोर्ट्स की ही बातें चलती थी। तो जाहिर सी बात है, जी इसलिए मेरा जो रुझान था वो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है हमेशा से ही। तो स्टडीज जी में भी स्टार्टिंग में ठीक थी, थोड़ी वीक थी, तो घर वालों को था कि शायद ये स्पोर्ट्स नहीं कर पाएगी या कैसे, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग करने की चाह थी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती थी। मुझे था कि कुछ अलग करें जिससे जो हमारी जनरेशन है उसको इंस्पिरेशन मिले। तो मेरे फादर जी ने जी मुझे सपोर्ट किया और मुझे फिर हम ग्राउंड जैसे हर शाम जाते ही थे, क्योंकि मेरे फादर ग्राउंड जाते थे, तो हम हर इवनिंग में अपना पढ़ाई वगैरह पूरी करके तो हम लोग ग्राउंड जाते थे शाम में टाइम निकाल के। तो धीरे धीरे जैसे देखना अपने ब्रदर को मेडल लेके आने, उनकी न्यूज में फोटो छपनी और वो सब, तो वो सब कुछ देखते मेरा भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही जी मेरी शुरुआत हुई मेरे स्पोर्ट्स कैरियर की। मैंने 11 साल की थी जब मैंने अपनी पहली स्टेट मीट खेली थी, तो फिर धीरे धीरे वैसे ही मेरा सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जी 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 नवजीत जी, आपने बहुत जल्द ही बचपन में अपने माता पिता दोनों ही हाथों की यदि बात की जाए तो आपके एक हाथ में आपके पिताजी की उंगली, दूसरे हाथ में आपके माता जी की उंगली और आपके आगे आपके बड़े भाई चल रहे थे। तो इन तमाम यदि कहे आपके परिवार का जो मेल जोल है खेल के प्रति, उसके साथ आप चलती चली गई और आगे की तरफ बढ़ रही हैं, रुक कर रही हैं,
तो शुरुआती समय में जब आप पढ़ाई करती थी, जैसा कि आपने कहा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन क्या कभी पिताजी ने मम्मी ने ऐसा भी कहा कि पढ़ाई पर भी ज्यादा जोर दो? जब स्टार्टिंग में जैसे हम सीबीएसई स्कूलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे पढ़ना जी पड़ता था क्योंकि स्कूल पे सारा वर्कआउट हमारा साथ में चलता ही था, स्टडीज वगैरह। हाँ जी कहते थे वो कि हाँ पढ़ाई पे भी ध्यान दो अभी, क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स मतलब हम लोग सिर्फ एक्टिविटी की तरह कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में था कि जी मैं जी जी इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग जी में कहते जरूर थे कि हाँ स्टडी पे थोड़ा ध्यान दो, लेकिन जैसे ही 10th क्लास हुई, उसके बाद 2011 में कंपटीशन थे, तो तब मैं 11th में थी, तब मेरे फादर ने कहा कि अभी तुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि तुझे सिर्फ स्पोर्ट्स करनी है या स्टडी करनी है, तो उस हिसाब से हम लोग जी देखेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स ही करनी है, तो इसलिए फिर उस टाइम जी उसके बाद कभी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, लेकिन हाँ कहते रहे कि स्टडी भी जरूरी है साथ में, तो वो ऐसे ही सिलसिला साथ साथ में चलता ही रहा। कभी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, कभी प्रेशराइज नहीं किया ज्यादा। जी 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 नवजी जी, जैसे कि आपने बात की आपके प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपके घरेलू प्रतियोगिताओं का सफर शुरू हुआ जो कि नेशनल लेवल तक पहुंचा? जी स्टार्टिंग में पहले जब मैं 11 साल की थी, तब मैंने पहली बार अंडर 14 के मैं पहले डिस्ट्रिक्ट मीट खेली, उसके बाद स्टेट खेलने गई, लेकिन स्टेट में मैं कामयाब नहीं हो पाई। तो मुझे याद है कि पहली बार जब मैं स्टेट खेलने गई थी, तो मैं 8th पोजीशन पे थी, तो मैं कोई मेरे मन में ये कोई निराशा नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, पापा ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है, तो अभी टाइम है तेरे पास, तो हम लोग वर्कआउट करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद अगली बार मैं 12 साल की थी, फिर मैं स्टेट खेलने गई, उस वहां पे मेरा मेडल आ गया, मेरा गोल्ड था वहां पे। तो उसके बाद पहली बार नेशनल खेलने गई, वहां मेरा सिल्वर था, कुछ सेंटीमीटर से मेरा अंडर 14 में सिल्वर था, लेकिन मैं वहां बहुत परेशान हुई और मैं बहुत रोई भी वहां पे, मुझे याद है। तो मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं, तेरा पहला नेशनल था, तेरा मेडल आया। मैंने कहा नहीं, मुझे गोल्ड चाहिए था, कि मैं बहुत कम जी जी सेंटीमीटर से पीछे रह गई। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरे पास एक और साल था, तो मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास एक और साल है, हम अच्छी मेहनत करेंगे, तो अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे फादर का रुझान थोड़ा मेरे ब्रदर की तरफ था, क्योंकि वो बड़े थे, तो मैं तो अभी सिर्फ बिगनर थी, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं मुझे रिकॉर्ड करना है। तो फिर अंडर 14 का नेक्स्ट ईयर जब मैं गई, फिर मैंने अंडर 14 का रिकॉर्ड किया वहां पे, और वहां से फिर मेरा रिकॉर्ड का सिलसिला चला। फिर धीरे धीरे अंडर 16 में रिकॉर्ड करा, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 20 में, फिर ऐसे ही आगे चलता रहा। जी नवजीत जी, आपने पदकों का सिलसिला जारी रखा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। जी आप डिस्कस थ्रो करती हैं नवजीत जी, और साथ में ही आपने शॉट पुट की भी प्रैक्टिस करते हुए उसमें भी कई पदक जीते हैं, तो एक साथ दोनों ही खेलों पर ध्यान देना, समतोल बनाना कितना मुश्किल या कितना आसान आपके लिए होता चला गया? नहीं बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि शॉट पुट और डिस्कस दोनों ही टेक्निकली सेम इवेंट है, तो जी ज्यादा जी कभी जी जी परेशानी नहीं हुई। तो स्टार्टिंग डिस्कस थ्रो से ही करी थी, लेकिन बाद में एक बार बीच में शॉट पुट करके देखा, तो पापा ने कहा कि दोनों सेम इवेंट है, तो दोनों ही अच्छे कर सकती है, क्योंकि टेक्निकली दोनों में तो अच्छी है। तो फिर धीरे धीरे शॉट पुट भी शुरू किया साथ में, फिर जैसे शॉट पुट में भी मेडल आने लगे, दोनों गोल्ड आते थे, तो फिर अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही अंडर 20 में भी, फिर शॉट पुट में भी रिकॉर्ड किया, तो फिर डिस्कस हमेशा से ही मेरी प्रायोरिटी रही है, मेन इवेंट हमेशा मेरा डिस्कस रहा है, लेकिन शॉट पुट एज अ साइड इवेंट मैं साथ में करती रही हूँ। जी 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 नवजीत जी, डिस्कस थ्रो हो या शॉट पुट हो, दोनों में ही यदि हम कहें, जैसे आपने बात की, अब तकनीक की आवश्यकता काफी होती है और उसके साथ में पावर की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, तो जी शुरुआती समय में जब आप कर रही थी तो किस प्रकार से दोनों ही खेल के लिए शक्ति जुटाती थी आप? मैं जैसे मैंने बताया, मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल नहीं थी, मैं बहुत ही वीक थी, थोड़ी कमजोर भी थी, थोड़ा बीमार भी रहती थी, लेकिन घर वालों ने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। फादर हमेशा मेरे किचन में ही रहते थे, कुछ ना कुछ बना के देना खाना, और करना कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा अगर स्पोर्ट्स करनी है। तो वो धीरे धीरे जैसे ये होता था कि अगर पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी मतलब इस चीज का रिजल्ट लाना है। तो जितना खाते थे फिर ग्राउंड में मेरे फादर, उतना ही हमें दौड़ाते थे, ट्रेनिंग करवानी, हार्डवर्क बहुत करने की जरूरत पड़ती है, जब हम लोग जब स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होती है, वो सब करना होता है, तो हार्डवर्क काफी करा, ग्राउंड में भी, जिम में भी जाना, तो ऐसे लड़कों की तरह डंबल उठाने ये सब करना। तो धीरे धीरे जैसे इस चीज में इंटरेस्ट बनता गया, तो वो कोई भी चीज होती है ना, इंटरेस्ट के बिना नहीं होती, तो दिमाग में था कि इस चीज के लिए स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसे धीरे धीरे हमने स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करी,
फादर का पूरा योगदान रहा, साथ में रहते थे, ब्रदर का बहुत योगदान रहा, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, और लड़कों के बीच में ही ट्रेनिंग करी हमेशा, वो मुझे बहुत मेरा मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा था उसके लिए। नवजीत जी, अभी आपने बात की, आपने लड़कों के बीच में प्रैक्टिस की और जिस जी प्रकार से जिम मेहनत, आपका परिवार आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता था, लेकिन हमारा जो ये जो भारतीय समाज है जो कि महिलाओं को एक नजर से देखता है, पुरुषों को एक नजर से देखता है, और इस समाज में रहकर स्पोर्ट्स में महिलाओं के लिए उतना आसान सफर होता नहीं है, दिखलाई नहीं पड़ता है, तो क्या जी कभी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपके लिए आई है? मेरे सामने कभी इतनी आई नहीं, क्योंकि मेरे फादर को जरूर लोग कहते थे कि स्पोर्ट्स करना है लड़की के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मेरे फादर ने सिर्फ ये बात बोली थी कि मतलब मैं, मेरे को भी ये लगता था कि मेरे मम्मा भी समझाते रहते थे, तो मुझे भी ये लगता था कि अगर इन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला है तो मैं उसका आउटकम जरूर दूं। मुझे ये था कि मतलब अगर इन्होंने मुझे विश्वास करके इस फील्ड में भेजा है तो मैं पूरा 100% दूंगी, ताकि कल को मेरे फादर और मेरे मदर को ये ना हो कि हमने कोई गलती करी है। तो वो क्या होता है कि हर किसी एथलीट पे डिपेंड करता है, लड़की पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे घर वाले विश्वास करके जी हमें घर से बाहर भेज रहे हैं, तो हमें उस विश्वास को कायम रखना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो हाँ, पहले कुछ लोग कहते थे, लेकिन बाद में जैसे मेडल आने लग गए तो मेरे फादर को भी बहुत प्राउडली फिर कहने लग गए कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में डाल के बहुत अच्छा किया। तो एक इंस्पिरेशन भी थी कि अगर मैं अच्छा करूंगी तो लोग शायद अपनी बेटियों को और आगे भेजेंगे कि हाँ, इनकी बेटी अच्छा कर रही है तो हमारी बेटी भी अच्छा करेगी। हाँ, थोड़ा साथ में रहना पड़ता है, पेरेंट्स को हमारे साथ भी रहे थे तो, लेकिन हमें जब वो साथ साथ में कॉम्पिटिशन पे जाते थे तो हमें प्राउड फील होता था कि हमारे घर वाले साथ में जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता था। तो हमें कभी, हमने कभी ऐसा फील नहीं किया कि हमारे घर वाले क्यों आते हैं या बंदिश है कोई, क्योंकि मुझे लगता है उतनी स्ट्रिक्टनेस जरूरी भी है। तो ऐसे जी जी कभी जी 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 ऐसे हुआ नहीं। बाद में उसके बाद जब मेडल आने लगे तो सब कुछ ठीक हो गया। जी 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 बिल्कुल नवजी जी, आप कई सारे, यदि हम कहें, महिलाओं की, लड़कियों की आप प्रेरणा स्रोत है। आपको देखकर कई सारी भारतीय महिला जो कि खेलकूद में आगे की तरफ बढ़ी हैं, हमने देखा है। नवजी जी, ये तो हो गई आपकी बातें, अब बातें करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में। किस प्रकार से आपने पदार्पण किया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स? जी नवजी जी, जी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किस प्रकार से आपकी शुरुआत हुई, पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? हाँ, मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन 2011 में, पहले मैं यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई थी, तो वहाँ मेरे फादर साथ में ही गए थे, लेकिन मेरे मतलब उन्होंने हमेशा हमें कहा था कि अगर कंपटीशन में कई बार हम नहीं भी जा पाएंगे, लेकिन ये है कि तुम्हें अपने आप को खुद वहाँ प्रिपेयर रखना है। तो उसके बाद वहाँ पे मैं गई थी, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वो अच्छा भी रहा। वहाँ बेशक मेरा मेडल नहीं आया, लेकिन मेरे को एक जी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, बाहर के एथलीट्स में कैसे खुद को डील करना है, कैसे मोटिवेट रखना है। तो उसके कुछ ही महीनों बाद मेरा यूथ कॉमनवेल्थ थी, तो मैं अपने आप को उस मेन कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो उससे पहले यूथ वर्ल्ड जैसे मेरे लिए एक एक्सपीरियंस मेरा बन गया। तो जी जब वहां पे गई तो वहां पे मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि कई सालों से मैं अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि 2008 में मेरे ब्रदर का मेडल था यूथ कॉमनवेल्थ में, फिर मुझे था कि 2011 में यूथ कॉमनवेल्थ होगी तो वहां पे मुझे मेडल लेना है, चाहे कैसे भी। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे मेडल चाहिए, चाहे कितने भी सेंटीमीटर से हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे मेडल लेना है। तो जब वहां पे गए, इतना प्रेशर नहीं था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इस कॉम्पिटिशन को, क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग थी, मैं बहुत पॉजिटिव थी अपने मेडल को लेके। तो जब वहां पे गए तो वहां पे कॉम्पिटिशन हुआ, जब मेरा मेडल आ गया फिर घर वाले सब भी बहुत एक्साइटेड थे। वहां पे कुछ ऐसे भी हुआ कि कॉम्पिटिशन, जैसे टाइम का फर्क रहता है इंडिया में और बाहर, तो जी घर वालों को पता नहीं चला कि मेरा मेडल आया है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट सोर्स इतना कुछ पता नहीं था, ना हमें पता होता था इतना। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने फोन किया घर पे, मेरे ब्रदर ने बताया मेरे घर वालों को कि हाँ, नवजीत का मेडल आ गया है ऐसे, लेकिन मेरे फादर कह रहे थे कि नहीं, अभी तक उसका फोन नहीं आया, तो मतलब मुझे पता नहीं है अभी कि मेडल है भी नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने जब फोन किया तो मेरे फादर बहुत खुश थे, मेरे मदर ने बाद में बताया कि तेरे फादर तब इतने खुश थे कि वो, उनकी आंखों में पानी आ गया कि वो उनको बहुत प्राउड फील हुआ। तो वो मेरे लिए जी मोमेंट थी, जब मेरे मदर ने मुझे ये बात बताई, मुझे हो गया कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी मोमेंट मेरे फादर की लाइफ में हमेशा आती रहे। तो वहां से मेरा पहला सफर शुरू हुआ, एक्सपीरियंस भी काफी मिला और काफी एक्सपोजर भी मिला। तो फिर ऐसे धीरे धीरे, फिर 2014 में कॉम्पिटिशन थे, फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल। जी बिल्कुल, फिर ऐसे चलता रहा जी जी सिलसिला। जी जी जी
आपके पदकों के सिलसिले को और हम जारी रखेंगे। आपने बात की, आपके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। हर एक पिता जिसका कि सीना चौड़ा हो जाता है जब उसके बच्चे इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ले आते हैं, आंखें नम जी हो जाती हैं, लेकिन खुशी के आंसू होते हैं। और इन्हीं जी आंसुओं को हमेशा उनकी आंखों में खुशी के रखने के लिए आप लगातार प्रयास कर रही थी। एक और सवाल मेरे मन में आता है, आपने कई अंतर्राष्ट्रीय, यदि हम कहें शहरों में जाकर, देशों में जाकर खेला है, भारत में कई शहरों में आपने खेला है, तो क्या अंतर होता है अपने देश में खेलने का, विदेशों में खेलने का, वहां के वेदर पर, वहां के लोगों का क्या अंतर होता है एक खिलाड़ी के? देखो, जब नेचुरली बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हम जब इंडिया में खेलते हैं तो हमारा खाना पीना रहना सहना सब कुछ सेम रहता है। तो जब हम इंडिया के जी बाहर कंपटीशन खेलने जाते हैं, जब हम कंपटीशन करते हैं, तो वहां पे सब कुछ एकदम से बदल जाता है। खाना पीना बहुत बदल जाता है, एटमोसफियर बहुत, और टाइमिंग जो होती है हमारे यहाँ पे उठने बैठने की, खाने पीने की, तो वहाँ बिल्कुल अलग होती है। तो मोस्टली हमें कंपटीशन से 4-5 दिन पहले ले जाते हैं, ताकि हम उस वेदर से, उस जो डाइट प्लान है उससे हम अपने आप को सूट कर सकें। तो फर्क रहता है वहां पे जाके अपने आप को बूस्ट अप रखना। और क्योंकि जब हम इंडिया में खेलते हैं तो हम मोस्टली एथलीट्स को जानते होते हैं, तो उस टाइम पे इतना जी इतना प्रेशर नहीं रहता, इतना इतनी नर्वसनेस नहीं रहती। बाहर बाहर जाते हैं तो नर्वस, बिल्कुल नर्वस होते हैं, लेकिन जैसे जी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फिर ये चीज से हम लोग निकलते जाते हैं, तो वो चीजें फिर हम सीख जाते हैं आगे जाके। तो जी मेनली जी जी जो वेदर का और डाइट का फर्क पड़ता है। जी जी नवजीत जी, वही हम बात कर रहे थे कि जो नर्वस, जो प्रेशर रहता है खिलाड़ियों पर, धीरे धीरे अनुभव आपका बढ़ रहा है। तो जी इस अनुभव को, जब आप शुरुआती समय में अनुभव ला रही थी इस प्रेशर को हटाने के लिए, तो कोच क्या कहते थे और क्या उसके लिए योगा, मेडिटेशन, इस तरह के अभ्यासों को कर उस प्रेशर को हटाती थी आप? जी बिल्कुल। मेडिटेशन करते थे हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे हम मतलब मेरे जी घर वाले, उन्होंने बताया भी था कि बैठ के पाठ करना और ये सब चीजें जो हैं आपको बहुत काम करती हैं। तो वही कंपटीशन से पहले अपने आप को बैठ के मेडिटेट करते थे, सोचते थे कि हाँ इस प्रकार हमें ग्राउंड में जाना है, वहां जाके ऐसे रहना है। क्योंकि नेचुरली कोई भी एथलीट जब कंपटीशन में जाता है नर्वस तो होता है, चाहे कोई कितना भी कह दे कि हम जी नहीं जी जी नर्वस, नर्वसनेस रहती है। नर्वसनेस के साथ साथ में एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा, क्योंकि जी मैं थोड़ी एक्साइटेड ज्यादा हो जाती हूँ कॉम्पिटिशन पे जाके। तो उस चीज को काम करने के लिए मैं अवॉइड करती हूँ कि ज्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग जो है कंपटीशन से पहले ना सुनो। तो मैं बहुत काम सॉन्ग सुनती हूँ, और जाने से पहले पाठ करके अपना अपने आप को प्रिपेयर करके तभी जाती हूँ कंपटीशन में। तो उससे काफी रिलैक्स फील होता है, ताकि कंपटीशन को थोड़ा आराम से खेले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा कंपटीशन ऐसे होता है कि 1 घंटे के लिए चलता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 चांस होते हैं। तो हर चांस में हमें ये होता है कि जी अपने आप को बेस्ट करना है। तो वो चीज जो है प्रैक्टिस में भी हम लोग कंटिन्यू ऐसे मेडिटेशन वगैरह करके जाते हैं, तो उससे काफी हेल्प हो जाती है। तो जैसे मेरे फादर ही हमेशा मेरे कोच रहे हैं, वही हर जगह मेरे साथ जाते रहे हैं, तो वो सिखाते रहे हैं कि ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जी 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 नवजीत जी, हम बात करेंगे आपके कॉमनवेल्थ गेम की, साउथ एशियन गेम के पदकों की, लेकिन उसके पहले और दो चार कदम चलते हैं आपसे ही जानेंगे कि शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में जिस प्रकार से आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पदक जीते, उनके बारे में कुछ बताएं। उससे पहले 2012 में कंपटीशन थे मेरे जूनियर एशिया में, मैं गई। तब मेरी एज नहीं बनती थी, मैं छोटी थी इससे, लेकिन मेरे को लेके गए कि मेरा मेडल आ सकता है। तो वहां जाके मेरा मेडल आया, सिल्वर मेडल था। तो उस चीज से काफी एक्सपीरियंस भी मिला, काफी अच्छा भी लगा वहां जाके। और उसके बाद, क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी 2014 के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थी उसके लिए, क्योंकि मुझे था कि वहां मुझे मेडल लेना है। और उसके बाद 2013 में मुझे सीनियर एशियन चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला, तो वहां पे भी मुझे जी एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि मैं, मेरे से सीनियर थे सीमा अंटिल जी और कृष्णा पूनिया जी, उनके साथ मैंने कंपटीशन करा था। तो वो, उनको देखने का मौका मिला कि वो खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिशन कैसे खेलते हैं। तो वो भी एक मेरे जी लिए अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद 2013 में फिर मैंने घर आके प्रिपेरेशन करी, और 2014 में मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थे, और उस टाइम पे मेरा मेन फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप में था। तब भी मैंने 2014 में एशियन चैंपियनशिप में जूनियर में मैंने शॉटपुट में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और डिस्कस थ्रो में मेरा सिल्वर था। लेकिन उस टाइम पे मेरा, मैं डिस्कस थ्रो में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। लेकिन उसके बाद जब 2014 में जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई,
तो वहां पे मेरे पे प्रेशर थोड़ा सा था, क्योंकि मैं काफी सालों से उसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी खुद को। तो जब वहां जाके मैंने कंपटीशन खेला, वहां पे मेरा मेडल आया, तो उससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा, जो मेरे लिए जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया। तो उस टाइम पे मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, और 14 साल बाद किसी एथलीट का हमारे एथलेटिक्स में मेडल आया था, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग जी। पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो उस टाइम पे उससे मुझे काफी एक्सपोजर भी मिला, और मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिलती रही कि हाँ अभी मुझे आगे और अच्छा करना है। तो उसके बाद फिर 2018 का कॉमनवेल्थ का मेडल था, उससे पहले भी खुद को प्रिपेयर किया, बहुत कुछ था माइंड में, थोड़ी परेशान भी थी 14 के मेडल के बाद, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जी ऐसे फिर आगे चलता रहा। जी नवजीत जी, जब आप पदक जीतती हैं तो लोगों की आशाएं काफी बढ़ जाती हैं। अभी जी आपने बातों ही बातों में नाम लिया सीमा अंतिल जी का और कृष्णा पुनिया जी का। जिस जी प्रकार से ये दोनों ही खिलाड़ी महिलाओं में, यदि हम बात कहें, भारत के लिए बहुत जी उन्होंने नाम कमाया है, भारत को गौरवान्वित किया है, आपने उनके जी साथ खेला है, तो जब आप उनके साथ होती थी एक जूनियर खिलाड़ी की तरह, जी किस प्रकार से उनका सहयोग आपके लिए होता था और आप उनसे क्या कुछ कितना सीखती थी प्रतियोगिताओं के पूर्व? जी हमेशा वो अच्छे से मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनको देख के हमें अच्छा भी लगता था, क्योंकि हमारे देश की इतनी अच्छी प्लेयर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे डिस्कस थ्रो को मेंटेन करके रखा है, हमारे जो इंडिया का स्टैंडर्ड है इस टाइम पे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टॉप 10 में आता है, तो इस हिसाब से उनको देख के अच्छा, उनको देख के एक्सपीरियंस मिलता था कि वो खुद को कैसे कॉम्पिटिशन में प्रिपेयर करती हैं, किस प्रकार से अपने जो हमारा कॉम्पिटिशन होता है उसको कैसे खेलती हैं, वो कॉम्पिटिशन से पहले वो कैसे रहती हैं। तो हाँ वो हमेशा साथ में भी रखती थी, कॉमनवेल्थ में भी जैसे मुझे मौका मिला सीमा जी के साथ कंपटीशन करने का, तो वो बहुत अच्छे से हमेशा अपने साथ रखती थी, और मोटिवेट भी करती थी कि हाँ तू जूनियर है, तू अच्छा कर सकती है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। जी कॉमनवेल्थ की ही हम बात करेंगे। जिस प्रकार से आप 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, भारत का प्रतिनिधित्व किया, पूरी टीम भारत से जिस प्रकार से गई, तो जी कैसा अनुभव वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर रहा भारतीय खिलाड़ियों के साथ, विदेशी खिलाड़ियों के साथ, और आपका पदक तक पहुंचने तक का सफर? जी जब यहाँ से मैं गई थी, मेरे माइंड में ये था कि मुझे मेडल लेना है, क्योंकि मेरा पहले तो मेरी पहली कॉमनवेल्थ थी, और किसी को ज्यादा इतनी आशाएं भी नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों को पता था कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है खुद को। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी इंजरी में भी थी, लेकिन मेरे माइंड में था कि नहीं मुझे मेडल लेना है वहां पे जाके। तो यहाँ से जब गए तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज लेके वहां जाके खुद को प्रिपेयर भी किया, काफी एथलीट्स को देखा भी, और कुछ ऐसे एथलीट्स थे जिनको हम लोग, मैं सिर्फ उस टाइम पे टीवी पे देख रही थी, और वहां पे जब उनको एक्सपीरियंस मैंने किया जाके, उन लोगों को सामने से देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग नॉर्मल रहते हैं, बहुत कामली कंपटीशन खेलते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस था भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी, क्योंकि वहां पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के जब वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स के साथ कम्पीट किया था, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में था कि मैं मेडल ले सकती हूँ। तो फिर ऐसे ही फिर जब वहां गए कंपटीशन से पहले, मैं खुद को बहुत काम रख रही थी, और जैसे ही कंपटीशन में अंदर गए तो देखा इतनी इतने लोग थे वहां पे, नेचुरली मेरे मन में मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई थी, लेकिन कंपटीशन में खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रख के, पहले 5 थ्रो में मैं चौथे नंबर पे चल रही थी, और जैसे ही मैंने 6वीं थ्रो लगाई और मेरा वहां पे ब्रॉन्ज मेडल आ गया, उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस ही, मैं बहुत अच्छा खुद को फील कर रही थी, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने मेरी इतने साल की मेहनत जो थी, मेरे फादर जो मेरे से उम्मीद रख रहे थे, आज वो मैंने पूरा कर दिया है। तो वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, मैं काफी उस टाइम पे मैं बहुत भर गई थी, तो मेरी आंखों से पानी भी आ गया कंपटीशन के बीच में, लेकिन उस टाइम पे भी अच्छा लगा कि हाँ फाइनली मैंने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है, तो आगे बढ़ने का मौका भी मिल गया, और बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम पे घर पे फोन किया तो घर वाले बहुत खुश थे, उस टाइम का माहौल ही बहुत अच्छा था, और मैं मेरे मन में ये भी था कि अब मैंने ये अचीव कर लिया, मैं चाहती हूँ ये बार बार हो, तो उसी लिए अभी भी हम लोग लगे हैं, तो अभी बिल्कुल जी, तो बस अभी ये है कि चलो ओलंपिक्स होंगी तो अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। जी नवजीत जी, एक ऐसा सपना जो आप और आप जैसे खिलाड़ी बार बार देखना चाहते हैं, बार बार उस सपने को सपने में जीना चाहते हैं और जी उन पदकों के साथ साथ और बेहतरीन पदक जीतना चाहते हैं। तो जिस समय आपको पदक मिल रहा था कॉमनवेल्थ गेम में,
क्या फीलिंग्स थी आपकी, किस क्या कुछ चल रहा था मन में? चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन दिल में क्या चल रहा दिल में बहुत ही ज्यादा मुस्कुराहट थी, क्योंकि उस चीज का जो एक्सपीरियंस है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये हम लोग देखते हैं जब टीवी पे ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स की या एशियन गेम्स की जी? जब विक्ट्री सर, क्योंकि वो विक्ट्री मैंने भी वो विक्ट्री स्टैंड पहले दिन ही देख लिया था जाके, और मैं ये सोच रही थी कि इस विक्ट्री स्टैंड पे मुझे चढ़ना है, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि नहीं, मैंने बहुत हार्डवर्क किया और मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है कि जब उस टाइम पे वहां पे खड़े हुए जाके और जैसे नाम लिया, और मेरी मेरा मैं अंदर से ही इतनी ज्यादा खुश थी कि वो शायद स्माइल मेरे फेस पे तब दिख रही थी जब मैं खड़ी थी। और मैं आज भी जब उस फोटो को देखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ये मोमेंट मेरे लाइफ की सबसे अच्छी मोमेंट थी, और बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस बता नहीं सकते। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मेरे फादर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने जो सोच के मुझे इस फील्ड में डाला था, आज उनका वो एक सपना पूरा हो रहा है। तो बहुत खुशी थी, खुद के लिए भी, खुद के घर वालों के लिए भी, और उन सभी के लिए जो मेरे साथ मेरी मेरी सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। जी, जी नवजीत जी, पूरा देश उस समय खुशियां बांट रहा था, खुशियां ले जी रहा था, और जिस प्रकार से आपने पदक जीते और तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, नवजीत जी जी, जब आप वहां से जीत कर लौटी लौटी भारत में, तब किस जी प्रकार से आपका स्वागत घर में, परिवार में, आस पड़ोस के लोग और पूरा देश जिस प्रकार से स्वागत कर रहा था, क्या कुछ लग रहा था उस समय? उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो शायद फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं जी अमृतसर पहुंची थी तो मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेंबर सभी वहीं पे थे, और जितने भी हमारे जी जो खास लोग थे सभी आए थे मुझे वेलकम करने के लिए। और जैसे मैं बाहर आई तो मेरे ढोल वोल सभी एकदम से बज रहे थे, हार डाले, और मतलब माँ न्यूज ये सब, वो एक्सपीरियंस ही बड़ा ऐसे आज भी सोचती हूँ तो मेरे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये इन सब चीजों के लिए शायद कि न्यूज में पर में बार बार आएंगे, हम लोग देखेंगे जानेंगे, क्योंकि इतना हार्डवर्क करते हैं हम लोग, क्योंकि उस मोमेंट पे लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि हाँ आज इसको आज इसने ये करा है, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क है, जो मेहनत थी मेरी, मेरे घर वालों की, हर किसी की जो मेरे साथ में लगे थे, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर घर वालों ने ओपन कार में शहर में घुमाया, और वो सब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। मैं पूरा दिन शायद जी मेरे जी पास रेस्ट करने का नहीं था, कोई ना कोई आता था, फिर हमारे जो एमपी थे वो भी आए अमृतसर के, तो फिर उसके बाद काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत एक्सपोजर मिला उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी बिल्कुल नवजी जी, आपने कहा आपको पदक मिला उस समय, उस पल को सभी ने देखा, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत थी, जो आपने पसीना मैदान पर बहाया, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया और आपकी मेहनत रंग लेकर आई, पूरा देश देखता रह गया और भारतीय तिरंगा वही आन बान के साथ लहराया पूरे विश्व के सामने, हम सभी उस समय खुश हुए। 2018 साल आपके लिए काफी अच्छा था, आने वाले साल भी आपके लिए उससे भी काफी अच्छे जाए, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू। 2018 में आपने अपना बेस्ट थ्रो फेंका था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, ग्रैंड प्रिक्स में वो एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कंपटीशन सिर्फ नॉर्मली कंपटीशन खेलने आई थी, तो जैसे मैं यहाँ पे पहुंची तो मुझे बताया गया कि आपके सिर्फ दो एथलीट्स हैं, तो हम ये आपका इवेंट कैंसिल करवा रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी हमारे जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे, मैंने कहा सर मैं अमृतसर से चल के आई हूँ और मुझे कंपटीशन चाहिए ये वाला, क्योंकि मुझे था ये कंपटीशन मिल जाएगा तो मैं फेडरेशन कप के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं उस कंपटीशन में कम्पीट कर रही थी, वो एक नॉर्मल कंपटीशन करवाया गया यहाँ पे, अच्छे से कंपटीशन बहुत अच्छे से करवाया गया, लेकिन एथलीट दो थे तो उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे थ्रो करी तो मुझे ये था कि शायद 59.90 का क्वालिफाई है, और मेरे को था कोई बात नहीं मैं अगले कंपटीशन में कर जाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे थ्रो लगाई थी 59.18। तो उसके बाद जब थ्रो हो गई तो मैं हमारे जो चीफ कोच साहब थे यहाँ पे बहादुर सिंह, उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कितनी थ्रो करी है, मैंने कहा सर इतनी लगी है, तो उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट जो है अपना घर से मंगवा, क्योंकि शायद तू क्वालिफाई कर गई है। मैं उस टाइम पे शॉक्ड थी, उन्होंने कहा कि हमारे डिप्टी कोच साहब थे बोले उनसे मिलो आप जाके, तो मैं जब वहां गई उनसे मिलने, मैं कहा सर, सर ने बोला कितनी थ्रो लगी, मैं कहा सर इतनी थ्रो लगाई है, तो उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट मंगा राइट नाउ, क्योंकि आज रात तक ही एंट्रीज होंगी अगर, और मेरी एंट्री तो पहले हुई नहीं थी, तो उन्होंने कहा आज रात तक का टाइम है, एंट्री करनी है मुझे अभी। तो मैं बहुत शॉक्ड थी और मैं बहुत खुश भी थी और मैं एक्साइटेड भी हो गई, मैं कहा हाँ सर अभी मंगवा रहे, मैंने घर फोन किया मम्मा को, मैं कहा मम्मा पासपोर्ट भेजो अभी, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहा मेरा क्वालिफाई हो गया।
मेरा काम लगाई, उन्होंने कहा अच्छा कितनी दौड़ लगाई, मैंने कहा मैंने इतनी लगाई, बोले अच्छा इतने में क्वालिफाई हो गया, मैं कहा हाँ हो गया है। तो उसके बाद मैंने, मेरे पापा उस मेरे रेलवे में जॉब करते हैं, स्टेशन पे थे उस टाइम पे, तो मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा, बोले कितनी थ्रो लगी, मैं कहा पापा इतनी थ्रो लगी है, तो उन्होंने बोला क्वालिफाई रह गया है फिर, मैं कहा नहीं हो गया है क्वालिफाई, वो बोले हो गया क्वालिफाई, मैं कहा हाँ, और वो इतने खुश थे कि फाइनली हमारे घर से कोई कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जा रहे हैं, और मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी। और मुझे आज भी याद है जब हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स पहुंच, क्योंकि उस टाइम पे फेडरेशन कप में काफी एथलीट्स की एंट्री रह गई थी, कुछ एथलीट्स हमारे एक दो क्वालिफाई करे थे लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि उनकी पहले एंट्री करी नहीं थी। तो जब मैं कॉम्पिटिटिव वहां, हम लोग कॉमनवेल्थ में 1 महीना पहले चले गए थे, तो वहां जब गई तो मेरे डिप्टी को साहब कह रहे थे कि तू बहुत लकी रही है कि तेरी, तू ग्रैंड प्रिक्स खेली तो तेरी एंट्री होगी, नहीं तो कई एथलीट्स की एंट्री हो नहीं पा रही। मैं कहा सर अगर मेरी एंट्री हुई है ना तो मैं यहाँ से मेडल भी जरूर लेके जाऊंगी, और पता नहीं मेरे अंदर से जैसे ये था कि शायद मेरी एंट्री इसीलिए हुई है कि ताकि मैं मेडल लेके जा सकूं यहाँ पे। तो वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था और बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा वो मेरे लिए। जी नवजी जी, आपने आपकी उन तमाम यादों को बताया और वो तमाम खुशियां इस समय जी आपके चेहरे पर नजर आई और आपके दिल जी में चलने वाले उस समय के तमाम भावों को हमने अभी आपके माध्यम से सुना, देखा, समझा, जाना, दिल के उन जी तमाम लम्हों को। एक मेहनत, एक परिश्रम खिलाड़ी की होती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके प्रशिक्षक, उसके कोच की होती है। जी नवजी जी, हम आपके कोच के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने, आपके पीछे जो कोच लगे थे बचपन से जी लेकर अब तक, उसकी कहानी हम जानना चाहेंगे। मेरे कोच मेरे फादर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से डिस्क थ्रो करना शुरू करवाया, तो मेरे साथ जी हमेशा कंपटीशन में भी रहे हैं। अगर मैं बाहर कहीं कंपटीशन खेलने गई हूँ तो वहां पे मुझे खुद से प्रिपेयर करना पड़ता था, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा मुझे ऐसे ही बनाया था कि मैं उनको कहती थी कि हर किसी बच्चे के कोच जो है वो आगे आके बताते हैं कंपटीशन में, आप क्यों नहीं बताते। जी तो वो कहते थे कि मैं हर जी जगह तेरे साथ में नहीं रहूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तू फील्ड में खुद को खुद से प्रिपेयर करके, अपने माइंड से प्रिपेयर करके, क्योंकि एथलीट का कोच जो होता है ना पहले वो आप ही होता है, क्योंकि जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हमें पता चले जाता है कि हमारे कमियां क्या है, हमें कहाँ पे किस चीज की जरूरत ज्यादा है। तो वो मेरे जी फादर हमेशा से ही, मेरे फादर ही कोच रहे हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ से पहले मेरे ब्रदर हमेशा मेरे साथ रहे थे, तो ग्राउंड में जाना, मेरी मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देखना और वो सब कुछ करना, तो वो हमेशा मेरे साथ में ही रहे थे। तो फादर ही शुरू से कोच रहे हैं, और अभी जैसे मैं कैंप में हूँ तो यहाँ पे एक रशियन कोच है, तो मैं अभी उनके अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ। जी 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 मेरा सवाल भी नवजीत जी, मेरे मन में यही चल रहा था कोच को लेकर। जिस प्रकार से आपके पिताजी आपके आदर्श बनकर, आपके कोच बनकर लगातार बचपन से लेकर अब तक आपके साथ खड़े हुए नजर आए, तो एक सवाल ये भी उठता है कि कई खेलों में भारतीय कोच के साथ साथ विदेशी कोच भी नजर आते हैं खिलाड़ियों के साथ। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा, अभी आपने जिक्र किया कि आप जिस कैंप में अब अभ्यास कर रही है वहां पर रशियन कोच है, तो क्या कुछ अंतर आप जब देखती हैं भारतीय दूसरे कोचों को और विदेशी कोचों को, तो क्या अंतर नजर आता है और किस प्रकार से वहां से यदि हम कहें इनपुट मिलता है आप लोगों को? फर्क रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रेनिंग पैटर्न जो है उनका थोड़ा एडवांस्ड होता है और वो कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन हाँ हमारे इंडियन कोच भी वहाँ पे मुझे लगता है उतना ही उनका महत्व जरूरी है, क्योंकि एक हमारे हम लोग यहाँ रहे हैं इंडिया में, तो हमारी बॉडी पैटर्न जो है वो बाहर के एथलीट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं मुझे ऐसा लगता जी है कि जैसे बाहर के कोचों का जितना उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो मतलब ट्रेनिंग मेथड है वो शायद थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन हमारे इंडियन कोचेस जो है वहाँ पे उतना उनका महत्व भी होना जरूरी है, क्योंकि उनको एक एथलीट की बॉडी का पता होता है कि हमारे एथलीट की बॉडी जो है इतनी ही चल सकती है, क्योंकि बाहर के एथलीट के मुकाबले थोड़ा फर्क तो रहता ही है। तो हाँ उनकी जो नॉलेज है वो काम आती है, लेकिन हमारे इंडियन एथलीट, हमारे इंडियन कोचेस की भी वहां उतनी ही महत्वता है। जी बिल्कुल जी जी नवजी जी, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार से बाहर का यदि हम मौसम कहें और जी वहां की परिस्थितियां कहें, तो उसमें विदेशी कोचों का जो योगदान होता है वो जी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छा होता है, तो उसका जी भी उपयोग आप लोग ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और बाहर की जो, एक तो वहाँ वेदर बहुत अलग होता है, और फिर वहाँ पे जो जी डाइट है वो डाइट भी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि जी हमारी इंडियन डाइट में और वहाँ की डाइट में थोड़ा फर्क है। तो वो क्योंकि जी हमारे हमारे यहाँ पे गर्मी वेदर, लेकिन हमारा सबसे बढ़िया ये है कि हम इंडिया में रह के हम हर तरह के वेदर का एक्सपीरियंस कर लेते हैं,
यहाँ पे ठंड भी होती है, जी गर्मी भी होती है, तो अगर बाई चांस हम किसी दूसरे कहीं कॉम्पिटिशन करने जाते हैं, तो अगर वहां पे गर्मी या सर्दी रहती है तो हमें शायद वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कई जी जी कई जी देशों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहाँ कईयों पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमारे इंडिया में रह के मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाके हाँ उनकी टेक्निक और उनकी ट्रेनिंग मेथड जो है वो थोड़ा एडवांस है, तो हम लोग उस चीज जी का इम्पोर्टेंस जो है हम आप अपने थ्रो में दे सकते हैं, तो ऐसे फिर जी हमें फायदा भी होता है। जी 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 नवजीत जी, हमने कहीं पढ़ा था आप जब US दौरे पर गई थी तब वहां पर कोच स्मिथ, जिनसे आप काफी प्रभावित हुई थी, जी तो क्या कुछ है वहां का लेखा जोखा यदि हम कहें आपके माध्यम जी से? जी बिल्कुल, जैसे मुझे वहां जाके काफी फायदा भी मिला था, क्योंकि जैसे उनका ट्रेनिंग मेथड था, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करते हैं तो हमें काफी ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें अच्छे से, उसके जो हमारे कमियां हैं उसे पूरा कर सकें, लेकिन वहां जाके जब पता चला, मैंने एक चीज वहां से अच्छे से सीखी कि हाँ वहाँ जो उनका ट्रेनिंग मेथड है वो रिकवरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं ताकि रिकवर ज्यादा कर सके, और ट्रेनिंग जो है वो एक टाइम ही करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वेदर का भी फर्क जी पड़ता है, तो US में वेदर ठीक रहता था तो एक टाइम पे लंबी ट्रेनिंग हो जाती है, जैसे इन दिनों में हमारे इंडिया में थोड़ी गर्मी ज्यादा रहती है तो हम पार्ट्स में जी डिवाइड कर लेते हैं ट्रेनिंग, लेकिन हाँ उनका ट्रेनिंग मेथड और लोड मेथड जो था वो थोड़ा पता चला, तो उससे मुझे काफी हेल्प भी मिली, और काफी एक्सरसाइज थ्रो के लिए जो मेन एक्सरसाइज होती हैं तो उनका भी काफी पता चला, तो वो काफी इफेक्टिव भी रही मेरे लिए। जी 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 नवजी जी, अब कोच की सारी बातें हो गई, जी पदकों की बात कहें तो मैदान पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बातें चलेगी आपसे जी खेल के मैदान पर, लेकिन एक चलते चलते एक सवाल यह है कि साउथ एशियन गेम में जिस प्रकार से आपने गोल्ड मेडल लिया, तो जी वहां की कुछ यादें और आपके परिवार की यादें साउथ एशियन गेम से काफी जुड़ी हुई है, तो हम ढूंढने जी की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई इतिहास आपके परिवार के नाम पर लिखा जा रहा है जी इस साउथ एशियन गेम्स के माध्यम से। साउथ एशियन गेम्स, मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे मेरे ब्रदर की मैरिज थी नवंबर में, और दिसंबर में साउथ एशियन गेम्स थी, तो वो इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे कि मैं प्रिपेयर कर सकूं, लेकिन फिर भी वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा गोल्ड मेडल आया, क्योंकि मेरे मेरे फादर का पहले सिल्वर मेडल था साउथ एशियन गेम्स में, और फिर जी मेरे ब्रदर का भी सिल्वर मेडल था, और मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं एक कदम आगे रही उनसे कि मैंने गोल्ड लिया, तो वो मेरे घर वालों के लिए भी एक, क्योंकि साउथ एशियन गेम्स ऐसे लगता है जैसे हमारी पारिवारिक गेम है, कि वो खेलनी जरूरी थी, जी क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन मुझे था कि चलो कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी खेलने, कि इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैं अच्छी तरह कर पाऊंगी, तो वहां जब गोल्ड आया तो वो गोल्ड मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि मेनली ये था कि मुझे गोल्ड लेना है, कि मुझे अपने घर वालों से एक कदम आगे रहना है, तो वो मुझे जी 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 काफी मोटिवेशनल भी लगता है और मुझे काफी अच्छा भी लगा, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था कि चलो मैंने फाइनली अपनी पारिवारिक गेम को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो वो काफी अच्छा जी लगा जी वहां जी पे। जी 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 एक सवाल ले लेते हैं दर्शकों में से। नदीम जी कुछ कह रहे हैं, शॉटपुट में आपने काफी अच्छा किया है, आपका जी बेस्ट थ्रो अब तक का शॉटपुट में? मेरा 16.34 मीटर है शॉटपुट का बेस्ट थ्रो। जी, एक जी और सवाल लगातार आ रहा है स्क्रीन पर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है डिस्कस में, आइडल कौन है आपके? डिस्कस थ्रो में मेरे वैसे तो हमारे फील्ड में काफी अच्छी थ्रोअर रहे हैं, जैसे कि कृष्णा जी पूनिया जी हैं, सीमा जी हैं, जी लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा जो आइडल अपना वो नीलम जय सिंह है, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कस थ्रो लगाई थी, उन्होंने बहुत पहले 64 मीटर लगाई थी, क्योंकि मैं उनको पर्सनली कभी मिल नहीं पाई, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना, क्योंकि मुझे जी इतना पता है कि उनकी हाइट वगैरह इतनी ज्यादा नहीं थी, तो शी इज नॉट दैट टॉल, लेकिन वो बहुत अच्छी बिल्ड थी उनकी, तो वो जब मुझे कोई ये कहता है कि तेरी हाइट इतनी नहीं है तू थ्रो नहीं मतलब उतना अच्छा कर नहीं पाएगी डिस्कस में, तो मैं कहती हूँ कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती, तो मेरे लिए वो एक एक जी इंस्पिरेशन है कि अगर उन्होंने इतना अच्छा किया है इस जी फील्ड में तो मैं भी उनको देख के अभी तक चल रही हूँ। जी 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 नवजी जी, आगे और दूसरी बातें करेंगे खेल जगत से, खेल जगत के अलावा, लेकिन एक बात और है, ओलंपिक जिस प्रकार से विलंब हो गया कोरोना वायरस के चलते, जी सभी खिलाड़ी और पूरा खेल जगत जिस प्रकार से पिछड़ गया है, जी आने वाले समय में ओलंपिक आने वाला है कुछ महीनों जी बाद, उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? एक सवाल दर्शकों में से ये भी था।
जी, अब बिल्कुल मैं अभी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि बीच में जब ये सब कुछ जी हो गया तो एकदम से हम लोग बहुत डाउन फील करने लग गए, क्योंकि जब सामने कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा था तो थोड़ा अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे थे कि क्योंकि जब सामने कोई टारगेट नहीं मिलता तो उतने अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाते। तो अभी जैसे हमें पता चला है कि हाँ ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर होंगी तो उसकी कॉम्पिटिशन भी कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएंगे, तो अभी अपना हार्डवर्क जी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अपने देश का जो नाम है रोशन करें हम लोग ओलंपिक्स में जाके। जी 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 बिल्कुल नवजीत जी, आप और आपके सभी साथी भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करें। एक और सवाल ले जी लेते हैं, प्रेमा जी का है, जो इनकम टैक्स फैमिली से आप बिलोंग करती हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, तो इनकम टैक्स के बारे में बताएं किस प्रकार से आप वहां पर पदभार संभाल रही हैं और प्रतियोगिताओं को खेल रही हैं इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, और लेकिन काफी जी अच्छा लगता है क्योंकि अभी फिलहाल इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है तो वो पोस्ट भी अच्छी है और खुद को बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि हाँ हम इस डिपार्टमेंट से हैं, तो काफी अच्छा भी जी लगता है। जी 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 एक सवाल और है, धोनी जी के फैन हैं, वे पूछ रहे हैं कौन सा भारतीय क्रिकेटर आपको पसंद ओह माय गॉड, मैं वैसे क्रिकेट में है? इतनी दिलचस्पी लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे युवराज सिंह नेचुरली पंजाब से हैं तो मुझे युवराज सिंह अच्छे लगते हैं। जी 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 बिल्कुल, युवराज सिंह एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भारतीय टीम के और जी विश्व कीर्तिमान उनके नाम पर है, पंजाब से हैं, उन्होंने भी भारत का काफी नाम रोशन किया है। नवजीत जी जी, ये तो हो गई खेल के मैदान की बातें, अब बातें करते हैं खेल के मैदान से जीतने के बाद जब आप लौटी भारत में। इस समय जिस प्रकार से यदि हम कहें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि खेलों को जी काफी बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को काफी बढ़ावा दे रहे हैं, जी आपका उनके साथ पहली बार जब आप उनसे मिली तो किस प्रकार से अनुभव रहा आपका? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मतलब वहां जाके बैठना ही अपने आप में एक बहुत प्राउड की मोमेंट थी, और उन सभी एथलीट्स के साथ, हमारे जो जितने भी मेडलिस्ट एथलीट्स हैं उनके साथ बैठे थे तो वहां पे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जो वहां पे बातें भी करी बहुत इंस्पिरेशनल थी, और उनके बात करने का तरीका और हमारे से मिलने का, हमें बहुत ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये जी एक्सपीरियंस मैं बार बार करूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जी 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 बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं वे। जी और एक भारतीय एथलीट जिन्होंने के विश्व में काफी नाम कमाया है, यदि हम कहें मिल्खा सिंह जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, तो क्या जी कुछ उस मुलाकात के बाद आपको प्रेरणा मिली या क्या कुछ उन्होंने कहा आपसे? जी बिल्कुल, वहां जाके बहुत अच्छा लगा था, तो वहां पे जब मैं गई थी उन्होंने, उनको बताया गया कि मैं एक एथलीट फैमिली से हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट करा, और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि आप जैसे एथलीट आगे बढ़े, हमारे पंजाब का नाम रोशन करें, तो वो अपने आप में ये एक जी इंस्पिरेशन है, उनको देख के ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इतने इतने ज्यादा हेल्दी हैं और इतने अच्छे से उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। जब बाघ मिल्खा भाग देखी थी तो बहुत जी इंस्पायर हुए थे उनकी स्टोरी से, और मतलब ऐसे एथलीट अगर ओलंपिक्स में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो हमें तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रखी हैं उनके मुकाबले, जी तो जी हमें लगता है कि वो एक जी जी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगा उन्हें मिलके। जी 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 नवजीत जी, अभी आपने बात की कि उस समय उसी से सवाल मिलता जुलता है कि पहले के खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से सुविधाएं होती थी और आज जी जिस तरह से आधुनिक, यदि हम कहें अत्याधुनिक जो तकनीक आ गई है खेलों में, तो क्या अंतर है उस समय के खेलों में और आज के खेलों में? जी बिल्कुल, बहुत फर्क है क्योंकि उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, लोग एथलेटिक्स को या किसी और स्पोर्ट्स को इतना जानते नहीं थे, लेकिन अभी जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी सर इतना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू करी है, और जो हमारे जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू सर, वो भी बहुत ज्यादा एथलीट्स को आगे होके जी मोटिवेट भी करते हैं और उनको उनकी बात सुनते भी हैं, तो वो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ हम और भी क्या अच्छा कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। अभी खेलो इंडिया जैसे जूनियर एथलीट्स के जी लिए अभी शुरू करा है, तो मुझे लगता है ऐसे एक्सपोजर मिलने जरूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है जो कि वेस्ट हो रहा है क्योंकि बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, तो ये जो खेलो इंडिया एक रास्ता मिल गया है उनको कि हाँ हम स्पोर्ट्स के फील्ड में भी जाके अच्छा कर सकते हैं, तो ये अभी जी अभी तो बहुत फर्क पड़ गया है।
तो ये आशा करी जा सकती है कि आने वाले समय में काफी मेडल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जूनियर एथलीट्स को अभी एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा। जी 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 नवजी जी, अभी आपने बात की खेलो इंडिया की, जिसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मौका मिलता है। ये तो हो गई देश की बातें, राज्य स्तर पर भी कई राज्यों ने अपने खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ किया है। पंजाब के बगल में ही देख ले, हरियाणा के खिलाड़ियों को जिस प्रकार से हरियाणा सरकार प्रोत्साहन देती है और बिल्कुल जुट जाती है खिलाड़ियों के साथ, तो पंजाब सरकार के द्वारा आप जैसे और कई खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन, या क्या कुछ आगे और उम्मीदें हैं आपको राज्य सरकार से? जी बिल्कुल, अभी हमें काफी अच्छा एक्सपोजर भी मिला था जब हम लोग कॉमनवेल्थ से वापस आए थे, जब हमने डिमांड करी थी कि जैसे हरियाणा के एथलीट्स को मतलब इतना कैश अवार्ड है, तो हमारे पंजाब में पहले काफी कम था कैश अवार्ड, तो क्योंकि जी हम जी जी लोग पूरा टाइम ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोग हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ होता है। जैसे जी ये कैश अवार्ड एक तरह की इंस्पिरेशन है कि हमारा जो आगे जो हमारा जी फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि एथलीट्स की लाइफ का कुछ इतना पता नहीं होता, कोई इंजरी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हमें था कि जैसे कैश अवार्ड अगर ज्यादा होगा तो जो हमारे एथलीट जूनियर हैं उनको भी ये होगा कि हाँ अभी कैश अवार्ड इतना है, इन एथलीट्स को मिला है, तो हमें भी और मेहनत करनी है ताकि हम भी वो प्लेटफॉर्म पा सके। तो अभी जैसे जॉब्स वगैरह भी अरेंज कर रहे हैं, जो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको डीएसपी की पोस्ट दे रहे हैं, तो वो एक ये एक एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि एथलीट्स को जॉब मिलनी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी काफी बदलाव हुए हैं अभी रिसेंटली, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और भी अच्छा होगा। जी 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 बिल्कुल, एक खिलाड़ी की चाहत यही होती है कि उन्हें प्रोत्साहन मिले राज्य सरकार से। और एक प्रोत्साहन की यदि हम बात कहें, जब कोई नया टैलेंट, नया खिलाड़ी उभरता है, आगे की तरफ आता है, तो यदि हम कहें भारत में क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों में काफी मेहनत परिश्रम करनी होती है, पैसा खूब खर्चीला होता है घर परिवार का, और वहां तक पहुंचने के लिए संसाधनों को जुटाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो एक खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप की तलाश में होता है कि उसे प्रोत्साहन के रूप में कोई कंपनी आगे आकर मोटिवेशन दे, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता, और यदि न मिली हो तो उसके बारे में मन में मलाल? जी बहुत रही थी, क्योंकि जब मैं जूनियर में अचीव कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं था मेरे पास, और मुझे स्पॉन्सर होने से ये होता है कि हमें एक साइड में थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ हमें अच्छा करना है, हमारे साथ कोई खड़ा है। तो उस टाइम पे काफी देर तक तो मैं अकेली स्ट्रगल करती रही थी, मेरे घर वालों ने मतलब ऑफ कोर्स बहुत पैसा लगता है, खर्च भी होता है, हमारे सप्लीमेंट्स का खर्चा, हमारे शूज का खर्चा, किट का खर्चा, क्योंकि हमें पता है हम एक पेयर लेते हैं 8-8, 9-9 हज़ार के, जो हम लोग थ्रोइंग में यूज जी करते हैं, जी और वो पेयर ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना चलते हैं, तो वो इन सब चीजों का जो खर्चा था वो घर वाले कर रहे थे जब तक वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरी डिमांड बहुत देर तक रही थी कि मेरे जूनियर वर्ल्ड में मेडल भी आया था, तब भी मुझे कोई एक्सपोजर नहीं मिल सका, मैं कंटिन्यू नेशनल मेडलिस्ट रही हूँ, उस टाइम पे मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे हार्डली बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि हाँ मुझे मैं कर सकती हूँ इस फील्ड में। अच्छा, तो मुझे कहीं से अभी रिसेंटली मुझे गो स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ गो स्पोर्ट्स का कि वो मेरे साथ इस टाइम पे खड़े हैं, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ फाइनली अपने अपने टारगेट्स जो हैं वो आराम से अचीव कर सकती हूँ। तो पहले तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी न्यूज में भी निकाला कि हाँ मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, कहीं से भी कोई मोटिवेशन नहीं है, तो काफी ट्रबल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सब कुछ स्टेबल है, और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि इस टाइम पे मैं ओलंपिक का क्वालिफाई जरूर करूँ। जी 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 एक सवाल और है इसी से मिलता जुलता, आपके चाहने वाले रिंकू जी आपसे पूछ रहे हैं, आपका अगला टारगेट क्या होगा मैदानी खेल में? अभी रिसेंटली टारगेट यही है कि अगर ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर में होती है और हमारे एक कॉम्पिटिशन शुरू होते हैं, तो मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म करके ओलंपिक्स का जो हमारा क्वालिफाई है उसको मैं अचीव कर सकूं, तो फिलहाल टारगेट जी यही जी है। जी 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 नवजी जी, आपने खेलों में काफी अच्छा किया है। जिस प्रकार से आप उभरती हुई भारत की महिला एथलीट हैं, और यदि हम कहें जिस प्रकार से सारा, यदि हम कहें देश आपको जानता है, जब आप कहीं चीफ गेस्ट बनकर आपको कोई बुलाता है, आप जाती हैं लोगों के सामने, तब उस समय कैसा लगता है मन में? उस समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में होते थे या कोई अचीव गेस्ट बन के आता था, तो जी हमेशा मन में ये रहता था कि इस जगह पे एक दिन हमें भी पहुंचना है, क्योंकि मेरे मन में तो जी जी हमेशा जी रहा है, क्योंकि मुझे था कि मुझे
मुझे एक साथ आनंद जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ जी अच्छा करके एक इंस्पिरेशन बन सकूं। तो अभी जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे तो मुझे ये होता है कि मैं अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके जाऊं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जो एथलीट हैं वो ऐसे दिखते हैं, और हम भी अपने बच्चों को जो है इस फील्ड में डालें, ताकि जो जैसे कि अभी आज के टाइम पे भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लड़कियों को उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करा जाता। तो मेरे मन में ये होता है कि हाँ मुझे ऐसे फील होता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। तो जी मुझे मेरी यही मोटिवेशन होती है कि मैं वहां जाके ताकि उन लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं कि हाँ अपने बच्चों को आप इस फील्ड में डालो, और इसमें मतलब जी बहुत ज्यादा मेहनत है लेकिन इसका जब आउटकम आता है तो वो बहुत अमेजिंग होता है। तो बहुत अच्छा जी लगता है जी क्योंकि शुरू से ही सोचते आ रहे हैं ये चीज। तो वहां जाके पहली बार जब गए थे तब थोड़ा नर्वस थी कि कहाँ कैसे होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है वहां जाके। जी 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 नवजीत जी, चलते चलते चंद सवाल अब रह गए हैं। समय आपका जी काफी कीमती है। लॉकडाउन जी का समय चल रहा है, पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा है, और हम सब जी खेल प्रेमी, खिलाड़ी से लेकर हमारे जैसे खेल के चाहने वाले सभी, यदि हम कहें तो, चिंतित है, परेशान है। लेकिन जी इस लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से आपका अभ्यास क्रम चल रहा है, या किस प्रकार से समय व्यतीत कर रही हैं आप? जब स्टार्टिंग थी तब थोड़ा मुश्किल लगता था, और मतलब बहुत डल फील करने लग गए थे बीच में कि कैसे अब सब कुछ होगा। जी लेकिन बाद में हमारे जितने भी यहाँ पे फिजियो हैं, हमारे एथलीट्स हैं यहाँ पे, तो उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, और मतलब हम लोग जी ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट वगैरह सब कुछ साथ में करते हैं। तो हमारे फिजियो हैं वो भी हमारे साथ में रहते हैं और हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग जो थी हम कंटिन्यू रख रहे थे, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी। तो बाकी का टाइम जो है यहाँ पे जितने भी हमारे एथलीट हैं, जितने भी बाहर के स्टेट्स के एथलीट हैं, उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। उनके साथ बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कभी कुछ गेम्स खेल ली, कभी कोई गेम खेल ली, तो वो काफी अच्छा टाइम निकल रहा है अभी फिलहाल की घड़ी। तो अभी जी लॉकडाउन जी जी इतना मुश्किल लग नहीं रहा जितना स्टार्टिंग में लग रहा था। जी 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 नवजीत जी, समय काफी हो चुका है। आप जी स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से देश को और आने वाले खिलाड़ियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी इस लॉकडाउन के दौरान? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल जो जो ये टाइम चल रहा है, अपने आप को सेफ रखो, और वर्कआउट चाहे जी दिन में 30 मिनट ही करो लेकिन वर्कआउट जरूर करो, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर चलता रहे, अपने आप को पॉजिटिव रखो। हाँ बिल्कुल इस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपने आप को हम लोग बहुत अग्रेसिव फील कर रहे हैं, तो लेकिन इस टाइम पे अपने आप को अगर मेंटेन करोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो वो शायद सारी लाइफ आगे काम आने वाला है। क्योंकि अगर इसका बैड इफेक्ट है तो लेकिन इसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्कआउट जरूर करें और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। जी। नवजीत जी, आपने स्पोर्ट्स टुनाइट के साथ बात की, समय हो चुका है अब आपसे कुछ समय के लिए विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्दी आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। जी लेकिन उन मुलाकातों में दौर कुछ और होगा, समय कुछ और होगा, पल कुछ और जी होगा। बस मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से और तमाम करोड़ों भारतीयों की ओर से ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप ओलंपिक में अच्छा करें, भारत के लिए पदक लेकर आए, और कई थैंक यू सर। सारे खेलों में, यदि हम कहें प्रतियोगिता में, आप पदक लेकर आए और वही भारतीय तिरंगा आन बान और शान के साथ लहराते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट, और वही खुशियां आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में, आपके समाज में, आपके राज्य में, पूरे देश में लहराता हुआ आपके माध्यम से नजर आए हम सबको। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से। मैं राजेश यादव आपसे अल्प समय के लिए विदा लेता हूँ, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।